जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो स्पेशली ये एसएससी जीडी के मेरे उन भाइयों और बहनों के लिए जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बता दूं कि आपको जो ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य होते हैं या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। आपको पता है कि ज्वाइनिंग सेंटर के डॉक्यूमेंट्स की आपने लिस्ट मैंने जैसे वीडियो भी बनाया था, एक बार मैं आपका हल्का सा रिपीट भी करा दूंगा इस वीडियो में। साथ में ट्रेनिंग सेंटर में आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कि आपके लिए अनिवार्य हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहीं से कैरी करने पड़ेंगे। क्योंकि कईयों का जो ट्रेनिंग सेंटर है, आप सभी को पता है कि मान लो उत्तराखंड का बंदा है, उसका अगर साउथ में ट्रेनिंग सेंटर आ गया, साउथ वाले बंदे का नॉर्थ में आ गया, कश्मीर में ट्रेनिंग सेंटर आ गया, तो फिर बाद में एक डॉक्यूमेंट्स दो डॉक्यूमेंट्स के लिए फिर आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। वैसे तो आजकल फेक्स हो जाता है, लेकिन कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और आपको जो जॉइनिंग टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके लिए उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी एक हल्का सा मैं रिपीट मरवा दूंगा ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। और कईयों को अभी भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कुछ डॉक्यूमेंट्स में डाउट है, तो उनके डाउट्स भी इस वीडियो में क्लियर करेंगे दोस्तों। साथ ही बता दूं, अगर आपने अभी तक जो भी नई वैकेंसी की तैयारी कर रहा है या आपका भाई या छोटा जो भी तैयारी कर रहा है, उसमें मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं नई आने वाली वैकेंसी की अपडेट देता रहता हूँ, फौजी मेहता अकेडमी, उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आपके ज्वाइनिंग सेंटर में सबसे पहले, फिर बात करेंगे ट्रेनिंग सेंटर की। ज्वाइनिंग सेंटर में जैसे आप सभी को पता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपकी 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके साथ में जाति प्रमाण पत्र, ये जो मैं कॉपियाँ बता रहा हूँ ये ओरिजिनल होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, 10th क्लास मार्कशीट, मूल निवास, आपका परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड। पैन कार्ड के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया था, लेकिन ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पैन कार्ड बना होना चाहिए। आप पैन कार्ड अभी बना सकते हो दोस्तों, इसके लिए आपको ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार नहीं करना है, पैन कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पैन कार्ड बनाना ही बनाना है। अगर अभी तक किसी के पास नहीं है तो वो पैन कार्ड अवश्य बना लें। एक आपकी डायरी और चेकबुक और ATM, ये तीनों चीज़ भी आपके पास में होनी चाहिए, बैंक की डायरी, चेकबुक और ATM। अब मेरे से पूछेंगे कि सर बैंक की डायरी कौन सी बनाएं, वैसे तो 90% चांस है कि SBI बैंक ही देंगे, लेकिन फिर भी ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद ही आप बैंक अकाउंट ओपन करें। अब कुछ लोग बोलते हैं सर ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए या सिंगल, अगर आप मेरिड है तो आपकी इच्छा तो आप ज्वाइंट अकाउंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप सिंगल है तो आप सिंगल अकाउंट ओपन करा लीजिए। आपकी शादी नहीं हुई है तो आप सिंगल अकाउंट ही ओपन करवाइए, ज्वाइंट अकाउंट की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप शादीशुदा तो आप ज्वाइंट अकाउंट करवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं दोस्तों, उसमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सिंगल है तो नॉर्मल अकाउंट ओपन करवा लीजिए, उसकी आपके पास में चेकबुक होनी चाहिए, ATM होना चाहिए और डायरी, ये तीनों चीज़ आपको लेके जानी है ट्रेनिंग ज्वाइनिंग सेंटर में साथ में। इसके अलावा आपका जैसे बता दिया मैंने पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पैन कार्ड होना ही चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड में टाइम लगता है आप अभी बना लेना जिनके पास नहीं है, आधार कार्ड, परिचय पत्र है जिनके पास परिचय पत्र, आधार कार्ड ही ऑप्शनल आपके पास में, जो भी ID आपकी, 10th क्लास की मार्कशीट, अगर कोई आप डिप्लोमा लगाना चाहते हो तो वो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपको ये कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप 12th क्लास की मार्कशीट चाहो तो लगा सकते हो। तो इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज़ की जो फोटोएँ होती है वो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको बनवाना है वो, अगर ज्वाइनिंग लेटर में आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको अलग से बता दूंगा कि आप कौन सा कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड करें, वो मैं आपको साइड वाइड या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, मैं टेलीग्राम ग्रुप में वो डाल दूंगा, परिचय पत्र का परफॉर्मा वो आप निकाल के वो बना सकते हो दोस्तों। तो जिनको अभी तक नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आपको मैं परफॉर्मा उधर डाल दूंगा कि कौन सा आपको परिचय पत्र बनवाना है, तो आपके लिए उसमें हेल्प हो जाएगी। ठीक है, परिचय पत्र हो गया, आपके 10th या जो पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो होती वो। अब माता पिता के कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके बारे में, माता पिता के कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं आपके ज्वाइनिंग के समय, लेकिन फिर भी आपको उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी कॉपी लेके जानी है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके उनको डेट ऑफ बर्थ लिखने में, उनका एड्रेस लिखने में, उनके मदर फादर का नाम लिखने में कोई भी मीनिंग मिस्टेक ना हो। नहीं तो आपको पता तो है कि आपके दादा क्या नाम है, लेकिन मीनिंग मिस्टेक हो सकता है कि फादर के आधार कार्ड में कुछ अलग है फिर आपके में कुछ अलग हो, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनका भी नॉमिनी भरते समय थोड़ा सा उनका भी डेट ऑफ बर्थ वो सब कुछ चाहिए, तो उनका भी डॉक्यूमेंट्स का, जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड या उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ हो, उनका एड्रेस हो या उनके मीनिंग हो नाम के अच्छे से, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप साथ में कैरी कर लेना दोस्तों। इससे क्या होगा, जब आप वहाँ पे नॉमिनेशन भरोगे, आपके नॉमिनी भरोगे तो वहाँ पे माता पिता का नाम भी भरा जाएगा, आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनका भी लिखा जाएगा नाम कि भाई आपके छोटे बड़े हैं तो कोई टेंशन नहीं है, अगर भाई बड़ा है तो कोई टेंशन नहीं, सिस्टर बड़ी है तो उसकी आप लिख सकते हो साथ में अगर अनमेरिड है तो। ठीक है, और जो लड़कियाँ जिनकी शादी हुई अपने हस्बैंड की भी एक ID प्रूफ ले लेना, आपको पता है शादी कर ली तो सरकार को भी बता देना भाई ये फलाना आदमी जी, ये रामू राम जी या मंगना राम जी या चौथू राम जी जो भी आपके हस्बैंड है
या जिनकी शादी होगी लड़कों में रमकू जमकू जिनका भी उनका नाम है उनकी भी आईडी एक बार ले लेना हैं, बाबू सोना नहीं लिखना, उनका ओरिजिनल नाम लिखना वहाँ पे, ठीक है। तो ओरिजिनल उनका नाम के लिए वो चाहिएगी, उनके डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिएगी, उनके फादर मदर के नाम के लिए भी चाहिएगी, जैसे आपके सास ससुर हो गए उनका भी चाहिएगा। तो इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं ज्वाइनिंग के समय, ठीक है। ये इतने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है पैन कार्ड, वो अभी बनवा लीजिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मैं आपको परफॉर्मा दे दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जैसे ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब। और उसके अलावा आधा आपके डॉक्यूमेंट्स को आपको मैं कई बार रिपीट करा चुका हूँ, वो आपको पता ही, मदर फादर के आपको हस्बैंड वाइफ के वो वाले डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं। और अब मेरी सर्टिफिकेट की बात आती है कि सर हम मेरी सर्टिफिकेट लगाए, अगर आप शादीशुदा दिखाते हो तो मेरी सर्टिफिकेट ज़रूर ले लेना, नहीं तो दिखाना मत, दोनों में से एक शर्त है। अगर आप शादीशुदा दिखा रहे हो तो मेरी सर्टिफिकेट ले लेना ताकि अच्छा रहेगा। अब आप बिना प्रूफ के मेरिज लिखोगे वो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर आप शादीशुदा हो, और शादीशुदा तो हो ही, मना तो कर ही नहीं सकते, और अब गवर्नमेंट जॉब लग गई अब तो बिल्कुल ही मना नहीं कर सकते भाई। लक्ष्मी को हाथ जोड़ के उसका नाम लिख देना वहाँ पर, और वो मेरी सर्टिफिकेट लेके जाना, ठीक है, नहीं तो बहुत बुरी हो जाएगी। तो ये तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके जाने हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए आवश्यक हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ज्वाइनिंग लेटर से लेके टोटल जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट बताए, इनकी सभी की फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, अगर आप बीएड कर रहे हो बीएड की मार्कशीट हो गई। कुछ लोग मेरे से बोल रहे हैं कि सर हमारी बीएड है उसके 2-3 महीने बचे, अगर 2-3 महीने बचे तो आप बीएड कर सकते हो। ट्रेनिंग इस साल एग्ज़ाम नहीं दे सकते, लेकिन अगले साल में आप ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में उसके एग्ज़ाम दे सकते हो दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। उसके प्रैक्टिकल का जो टाइम है वो कंप्लीट करके आना आप, ठीक है। जितने दिन का प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट करना कैसे भी, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर ज्वाइनिंग पोस्टपोन हो जाएगी, वो आपका जिस डिपार्टमेंट पर आता उस डिपार्टमेंट का जहाँ पर ज्वाइनिंग सेंटर आता है उसमें आप जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आता उसी दिन जाके या उसे 5-7 दिन पहले ही जाके वहाँ के जो DIG महोदय हैं उनसे बात करना, और वो क्या आपके इसमें हेल्प कर सकते हैं, ज़रूर हेल्प करेंगे। वो पोस्टपोन करते हैं या आपको कुछ विश्वास देते हैं कि भाई आपको 1 महीने के लिए हम छुट्टी छोड़ देंगे, या जो भी वो उनकी बात है वो बताएंगे। तो आप उनसे बात करना, ये मेरे से पूछने के बजाय आपके लिए मैं आपको रास्ता बता दिया हूँ। अब इसके हिसाब से आप कर सकते हो ज्वाइनिंग लेट भी कर सकते हो, या अगर आपको बोलते हैं कि ठीक है आपकी ट्रेनिंग नहीं कराएंगे आप यहाँ रुक जाओ, आपको महीना भर छुट्टी दे देंगे या 2 महीना छुट्टी दे देंगे, ऐसा भी होता है, कई बार होता है ऐसा। अब तो ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सबकी फोटोकॉपी आपके पास में ट्रेनिंग सेंटर में होनी चाहिए, आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। इसके अलावा कोई विशेष डॉक्यूमेंट्स आपको ट्रेनिंग में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका आधार कार्ड हो गया ये हमेशा आपके पास में होना चाहिए, आपका जैसे पैन कार्ड ये होना चाहिए, आपका 10th क्लास की मार्कशीट की जो फोटोकॉपी है वो आपके पास में होनी चाहिए। कई बार वहाँ पर फॉर्म भरे जाते हैं किसी प्रकार के, वहाँ पर आपको मूल निवास या डोमिसाइल इनकी कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो आपके पास में। दूसरा एक वहाँ से आप ऑनलाइन भी जैसे फॉर्म भरते हो नई वैकेंसी आने वाली उनके बारे में, तो आपके पास में अगर मार्कशीट रहेगी तो आपको फिर बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा घर से, ठीक है। मान लो कहीं आपको मोबाइल अलाउ दिन में ना करे या किसी नेटवर्क एरिया में नहीं रहो तो भी आपके पास में अगर डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके सारे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक फ़ाइल ले लेना, उस फाइल में टोटल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके उनकी सबकी फोटोकॉपी ज़रूर ले लेना, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल ले लेना, जो मार्कशीट आपके डिप्लोमा जो भी स्पोर्ट्स के हैं वो ज़रूर ले लेना ताकि वो वहाँ पर काम आ सके। दोस्तों अगर आपने स्पोर्ट्स किया है तो आप ज़रूर उसका ले लेना, और जिसने अलग से कोई डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लेना ताकि वहाँ पर कोई भी आपको वैकेंसी की जैसे अपडेट मिले तो आप वो फॉर्म फिल कर सको, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा वहाँ से, क्योंकि घर से आपको बार बार कैरी करना पड़ेगा तो वो प्रॉब्लम होगी। आप कईयों के घर में पढ़े लिखे नहीं है माता पिता तो उनको फिर बाद में वहाँ जाके बहुत परेशानी होती, ठीक है। इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, या आपके कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन के समय भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। इसलिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में फोटोकॉपी के रूप में, और जैसे आधार कार्ड हो गया ये पैन कार्ड हो गया ये तो जमा नहीं होंगे, तो ये ओरिजिनल आपके पास में होने चाहिए। ATM कार्ड आपके पास में होना चाहिए, चेकबुक कैशबुक और खाता की डायरी, ये भी आपको पास में ट्रेनिंग में होनी चाहिए, क्योंकि कई बार कईयों की पेमेंट इधर उधर हो जाती है तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेमेंट जैसे आप अकाउंट नंबर गलत लिख देते हो या किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो भी सुधारी जा सकती है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास में होने चाहिए दोस्तों। तो ये पूरी डिटेल थी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए शेयर करिए। जय हिंद जय भारत।